कि ऐसा है कि पहले भी जो मीडिया पे कई कर्ब्स लगाए गए हैं, मीडिया ऑपरेट नहीं कर सका कश्मीर की वादी में, जम्मू कश्मीर में सही तरीके से इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो रोक दिया जाता है या रेवेन्यू ब्लॉक कर दिया जाता है, बहुत सारी और फिजिकल इंटिमिडेशंस प्रेशर्स रहे, तो कभी हमने इस किस्म का कदम नहीं सोचा। ये एक ऐसा ड्रास्टिक एक ऐसी सिचुएशन थी कि ये इस कदम लेने पे, एक याचिका दायर करने पे सुप्रीम कोर्ट में ये मजबूर हो गए, क्योंकि हर तरह इस किस्म का सन्नाटा मैंने कभी नहीं सुना। पहले इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड होता था, पर अब की सन्नाटा ऐसा था कि आपकी मजॉरिटी पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है, अगर 13 मिलियन है तो कम से कम 9 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं, 90 लाख लोग जो हैं, वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो गए थे, जैसे एक लोहे की दीवार के पीछे उनको छुपा दिया गया था और उनकी आवाज़ें हम तक नहीं आ रही थी। और मीडिया का काम होता है एक पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक चैनल बनने का, एक वाया मीडिया बनने का, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पब्लिक तक पहुंचाने का और पब्लिक की आवाज़ गवर्नमेंट तक लाने का। तो वो पब्लिक का एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक वॉइस प्रोवाइड करते हैं, आम आदमी की वॉइस आवाज़ बन जाती है। और जब वो आम आदमी ही बिल्कुल छुपा दिया गया है, हमको रियलिटी नहीं नज़र आ रही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें तो वो तो दिल्ली से मिल रही है या जो फॉरेन मीडिया आ रहा है। कश्मीर का जो मीडिया है उसको बिल्कुल ऑपरेट करने नहीं दिया जा रहा। कश्मीर में अखबारें नहीं छप रही हैं, जो एक आध अखबारें छप रही हैं वो किस किस्म की छप रही हैं उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो एक एक, एक जर्नलिज्म जो है वो पूरी तरह से एक स्टैंड स्टिल पे आ गया कश्मीर में, और इस किस्म का ट्रेंड होना, और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि कश्मीर की सिचुएशन बदतर होती जा रही, कर्व्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जब भी कोई नई चीज़ होती है तो इस किस्म का ट्रेंड आगे के लिए भी एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। तो उस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये याचिका दायर की।